स्वागत है दोस्तों आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं अपने गांव से होकर के देवघर जा रहा हूं, जो कि झारखंड में है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर है वहां पे, तो सब परिवार जा रहे हैं वहां पे। तो ये हमारा पीछे जो आप देख रहे हैं, ये हमारे हॉल्ट है मोहिनी मंडल, उसका ये टिकट काउंटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग ट्रेन लेकर के सीतामढ़ी जाएंगे। तो सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन का टिकट भी ले लिया है। और ये सामने आप देख सकते हैं सीतामढ़ी स्टेशन का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। इस तरीके का दृश्य है। तो यहाँ पे सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन आ चुकी है। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी से जो ट्रेन खुल चुकी है मुजफ्फरपुर के लिए, और यहाँ से मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन से स्टेशन आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो सीतामढ़ी से निकलने के बाद जो टाउन है वो जिस तरीके से दिख रहा है, और काफ़ी दृश्य भी अच्छा दिखने को मिल रहा है। दोस्तों सीतामढ़ी से चलने के बाद जो है विश्वा हॉल्ट आया। मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रेन रात में 11 बजे है, तो यहाँ पे अब कुछ देर रेस्ट करेंगे फिर ट्रेन पकड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे। ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको स्टेशन भी दिखाऊंगा कैसे है मुजफ्फरपुर का। देख सकते हैं दोस्तों अभी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे हैं, और यहाँ पे देवघर जाने के लिए काफ़ी जो श्रद्धालु हैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ट्रेन यहाँ से 11 बजे है सुल्तानगंज के लिए। मुजफ्फरपुर से भागलपुर की ओर जाती है ट्रेन सुल्तानगंज के लिए, वो आ चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ से खुलेगी। तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा, ट्रेन खुलने का टाइम हो चुका है, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेन के लिए। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुल्तानगंज, फिर वहाँ का मैं कुछ आपको दृश्य दिखाऊँगा। वो के 5:16 हो रहे हैं और यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुल्तानगंज। अब यहाँ से जाएंगे गंगा घाट, वहाँ पर स्नान वगैरह करके जल लेकर के फिर देवघर के लिए गोलबन के लिए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है जो कांवड़ में हम सभी के। गंज का रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से चल रहे गंगा किनारे, सामने देख सकते कितना भीड़ हो रखा है घाट पे जाने के लिए, जहाँ पे स्नान वगैरह करके जल लेकर के जाना है। सामने दिख रहा है घाट है, यहीं पे जाकर के स्नान करके जल लेना है। और सामने आप देख रहे होंगे ये पुल है, रिसेंटली न्यूज़ में भी आई थी कि ये पुल गिर गया था बाढ़ के कारण, जो कि 400 करोड़ की लागत से बन रही थी ये पुल। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इसमें दृश्य है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घाट पे नहाने के लिए, यहाँ से जल लेकर के फिर देवघर के लिए प्रस्थान करूँगा। तो अभी गंगा घाट किनारे जा रहा हूँ, फिर वहाँ से जल लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर घाट पर आ चुका हूँ मैं, यहाँ से नहाने के लिए जाऊंगा, फिर जल भर करके देवघर के लिए जाऊंगा। देख सकते हैं ये बाबा की नगरी है, और आप बाबा की नगरी में अभी शाम का टाइम है और बारिश भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। ये सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बाबा का शिवलिंग है।